हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ सेफ होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं, शादियाँ भी चल रही हैं, कुछ की शादी हो रही है, कुछ की नहीं हो रही, पर उनको कहीं ना कहीं तो इनवाइट किया होगा। तो शादियों में जाने के लिए हमें आउटफिट तो चाहिए होता है, मतलब जो कुछ फैमिली में शादी होती है उनके लिए तो हम कुछ स्पेशल सोचते हैं कि हमें ये डालना है। पर कुछ शादी ऐसी होती है जो बड़ी दूर की होती हैं, तो हम नहीं सोचते कि हमें कुछ लेना है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे अलमीरा में है, हमारे कोई पुराने कपड़े हैं, हम उसको कैसे डालें। तो बेसिकली मैं इसके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आपकी कोई भी पुरानी साड़ी हो, दादी मम्मी नानी की 10 साल 20 साल पुरानी साड़ी हो, तो आपको उसको री स्टाइल का कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको उसके लिए टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उसको कटिंग स्टिचिंग कुछ भी नहीं करना, बस आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उसके साथ उसको यूज़ करके कैसे उसको री स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए आपको बेसिकली एक बेल्ट की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास कोई बेल्ट नहीं है तो आप घर में भी किसी पुराने कपड़े की, मतलब तो कुछ भी बनारसी कुछ होगा या कुछ कलरफुल होगा, तो आप उसके साथ घर में भी एक बेल्ट बना सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो आप कोई, जैसे मार्केट में बहुत सारी लैस आती हैं जो हम सूट वगैरह पर लगाते हैं, तो आप उसको यूज़ करके, उस पर टिच बटन होता है वो लगा के भी हम उसको यूज़ कर सकते। काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने साड़ी को बेल्ट के साथ री स्टाइल किया, मतलब वो अच्छे लगते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ उनको जो स्लिम है, मतलब जिनकी हेल्थ ठीक है, वो ही डाल सकते हैं। मेरे जैसे गोलू मोलू लोगों का भी मन करता है कि वो भी अच्छे दिखे, तो वो भी पहन सकते हैं। मैंने पहनी है तो आप देख सकते हैं कि मैं उसमें कैसे लग रही हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। अगर मेरी कोई गलती है आप मेरे को कमेंट्स में बताइए उनको, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में उसको इम्प्रूव कर सकूं। जो मैंने साड़ी के साथ फर्स्ट लुक क्रिएट किया, इसमें मैंने अपना ब्लैक टॉप डाला है जिसकी थोड़ी नूडल्स स्ट्रिप्स है, और ये काफ़ी पुराना है, होगा 5-6 साल पुराना, तब मेरे को काफ़ी लूज़ आता था, अब थोड़ी इसकी फिटिंग ठीक आने लगी है। इसके साथ मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी डाली है जो मैं जयपुर से लेके आई थी, मतलब एक स्टेटमेंट नेकलेस बोल सकते हैं आप इसको। और जो मैंने इसका पल्लू लिया है उसमें प्लेट्स डाल के काफ़ी लूज़ लिया, मैंने किसी सीरियल में इसको देखा था। जो मैंने इसकी सेकंड लुक क्रिएट किया उसमें मैंने सिर्फ इसके साथ एक बेल्ट ऐड की है जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी, मतलब ये मैं अपने टॉप के साथ भी पहनती हूँ। आपके पास कोई भी बेल्ट अवेलेबल हो, चाहे वो पतली वाली हो या थोड़ी मोटे वाली हो, या आप किसी लेस के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, या किसी कलरफुल कोई भी आपके पास कोई कपड़ा हो या कुछ हो तो आप उसको पहन सकते हैं। मैंने सेम ही साड़ी के साथ जो तीसरे लुक क्रिएट किया उसमें मैंने नॉर्मल एक ब्लाउज डाला है जो मैंने अमेजोन से लिया था, मतलब 300 या 400 का होगा। इसका स्टफ भी काफ़ी अच्छा, 3-4 बार इसको धो भी लिया, मतलब ख़राब नहीं हुआ, क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कि आप साड़ी का पल्लू थोड़ा वो करके लो, छोटा नैरो करके लो, तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हो। जो मैंने नेक्स्ट
लुक क्रिएट किया है उसमें मैंने ये सेम टॉप ही डाला है। ये मैंने मियंत्रा से ऑर्डर किया था, मतलब मैंने समर्स में ऑर्डर किया था, मैंने काफ़ी बार पहना है। इसके ऊपर जो ये है ये पेंट से किया हुआ है, मतलब काफ़ी बार इसको वॉश कर लिया, ख़राब नहीं हुआ। तो मैंने ये आइडिया लिया था मतलब सोनम कपूर के किसी इंस्टाग्राम पोस्ट से, तो उन्होंने ऐसे साड़ी डाली थी किसी पैपरन टॉप के साथ।